एवरीवन, वैसे स्टूडेंट्स जिनका फाइनल ईएमई में सिलेक्शन हो चुका है, आज हम इस वीडियो में जो ईएमई कोर्स ऑफिशियल नोटिस आया है खासकर ऑफलाइन क्लासेस को लेकर उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर और हॉस्टल्स को लेकर जो क्वेरी है उसके बारे में भी बात करेंगे। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, इन द लाइट ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डेटेड एंड इस डेट में हुआ था, मतलब 12 सितंबर को मीटिंग हुई थी, जिससे पहले मैंने आपको बताया भी था। इसमें अगर देखा जाए तो साफ लिखा हुआ एमए एंड एमएफए एंड बी ऑनर्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जो कोर्स आते हैं, इसके अलावा बी ऑनर्स के साथ साथ बीएफए फाइन आर्ट्स का जो कोर्स है, इसके अलावा फॉर द आर्ट्स सेमेस्टर की अभी आउट का टाइम चल रहा है, फॉर द सेशन ऑफ 22-23 फैकल्टी ऑफ आर्ट्स विल कमेंस फ्रॉम 5th of October एंड 10th of October। इसका मतलब ये कि जिनका रिजल्ट आ चुका है जिस कोर्स का, उसका होपफुली 5th of October से स्टार्ट होंगे। जिनका नहीं आया है, जैसे अभी अगर हम बी ऑनर्स की बात करें, हालांकि सबका आ चुका है, बीएफए का भी आ चुका है, एमए और एमएफए का भी आ चुका है, कुछ का आना बाकी है। तो ओवरऑल ये है कि अगर आप बीए के हिसाब से इसको कंपेयर करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि बीए वालों का जो है 10th of October से स्टार्ट हो रहे हैं और बाकी कोर्स का जो है 5th of October से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये है कि अगर ऑफलाइन क्लासेस का नोटिफिकेशन देखा जाए तो फाइनली आ चुका है। हालांकि मैंने कल की वीडियोज़ में बताया भी था कि देखिए होपफुली आपका क्लास जो है वो 5th of October से स्टार्ट होने के पूरे, क्योंकि ऑलरेडी अलग अलग कोर्स जैसे बीएलयू और एलएलएम का जो है एमयू कैंपस में क्लास स्टार्ट, बाकी कैंपस के जो स्टूडेंट्स से बेटर है उसके वेबसाइट पे जाकर एक बार कंट्रोलर या हेल्पलाइन नंबर, वहाँ के हेल्पलाइन नंबर से बात करने की कोशिश करिए। बट फिलहाल अगर एमयू कैंपस की बात करें तो इनके जो क्लासेस है 5th of October और 10th of October से स्टार्ट हो रहे हैं। होपफुली जिनका रिजल्ट आ चुका है उनका 5th of October से, जिनका अभी नहीं आया है क्योंकि अभी जैसे बीए की बात करें तो उनका 10th of October से स्टार्ट हो सकते हैं। अब दूसरा एक तो ये चलिए चला गया, अब इसके बाद थोड़ा हम क्योंकि आप पहला सवाल सबको ही होगा हॉस्टल को लेकर, लेकिन इन्होंने जो है अभी कहीं भी ये बात नहीं कह रहे हैं कि हाँ भाई हॉस्टल आपको तुरंत दे देंगे, हॉस्टल नहीं देंगे, अभी इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं करा है। तो ऐसे में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, जो डेट है उस डेट के हिसाब से आपको एमयू चाहिए, और मे भी हो सकता है 1 से 2 दिन, क्योंकि गर्ल्स को तो होपफुली मिल जाता है, लेकिन बॉयज़ की अगर हम बात करें तो हो सकता है 1-2 दिन आपको बाहर आना पड़े, उसके बाद में भी हॉस्टल में, क्योंकि इन्होंने हॉस्टल को लेकर कोई वैसा सॉल्यूशन अभी तक नहीं दिया है। आप हॉस्टल को लेकर बात कर सकते हैं, उनके जो प्रोवोस्ट वाले वेबसाइट पे हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि हॉस्टल क्या, लेकिन हमारे हिसाब जहाँ तक लग रहा है इन्होंने हॉस्टल को लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं किया दिया है। वही स्कूलिंग की बात कर उन्होंने कह दिया है, लेकिन बाकी जो भी यूजी पीजी वाले स्टूडेंट का कोई अभी तक क्लियर नहीं है और ना ही इन्होंने कुछ बताया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, सपोज अगर आप बाय द वे एमयू जाते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना उसके बारे में जानना ज़रूरी है। एमयू का अगर प्रोस्पेक्टस ओपन करेंगे, हालांकि अलग अलग जो पे अलग अलग डिटेल आपको मिल सकते हैं, बट डिटेल ऑलमोस्ट सेम ही है। अभी इन्होंने कुछ कुछ जैसे स्कूल का नोटिफिकेशन निकाला था उसमें भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताया था कि ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, बट हमने इससे कंपेयर किया तो दोनों में सेम था, कोई अलग नहीं था नंबर एक, बट कुछ चीज़ें थोड़ा सा फर्क करेगा, बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अगर इंपॉर्टेंट इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा कंप्लीशन ऑफ एडमिशन, नंबर एक ये कि आपने जो काउंसलिंग किया था उसमें यानी पेमेंट आपने कर दिया है, तो आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका पेमेंट स्लिप है यानी कि फीस स्लिप है, और दूसरा आपके पास एडमिशन कार्ड है, या बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन कार्ड डाउनलोड भी किए, कुछ नहीं किए तो वो कर लेंगे, या जिनका भी नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट ये 2 चीज़ आपके पास होगा। इसके साथ ही आपके पास एक चीज़ और होगा, जब आपने ईमेल में फॉर्म फिल किया था तो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपके पास होगा, आई थिंक वेबसाइट पे भी होगा और आपके पास, तो ये 3 चीज़ एटलीस्ट रेडी रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें मार्कशीट को लेकर, तो बड़ा सिंपल है, जो 11th में एडमिशन लेंगे उनके 10th के मार्कशीट रिक्वायर है, और जो बीए बीएससी बीकॉम बैचलर हम ले रहे हैं इवन मास्टर्स में ले रहे हैं तो उनका 10th 12th और साथ साथ ग्रेजुएशन का, क्योंकि जो मास्टर्स में रहे उनके लिए ग्रेजुएशन हो जाएगा, और जो बीए बीएससी वगैरह हम ले रहे हैं उनके 10th और 12th की मार्कशीट ओरिजिनल मार्कशीट के साथ साथ जीरोक्स लेकर जाना होगा। एक ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका टीसी या माइग्रेशन एंड कैरेक्टर, टीसी हो या माइग्रेशन हो, एक वो हो गया, दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने जहाँ से भी लास्ट स्टडी किया है वो, और इसके अलावा ये आपका चाहिए होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे साफ लिखा हुआ रहा है हाई स्कूल सर्टिफिकेट और इट्स इक्विवेलेंट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो वही है जैसे अगर जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाए, वरना ये कि 10th की मार्कशीट। इसके अलावा इन्होंने फोटोज़ आप कम से कम 5 से 10 के आसपास में लेकर जाएंगे, फोटो का इन्होंने साइज मेंशन किया बट आप उस हिसाब से लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको फोटो लेकर जाना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर आपका स्पेशल कैटेगरी है तो वो लेकर जाना है, जैसे कि अगर कोई ओबीसी है एससी एसटी जो वट ईवर आपके कैटेगरीज हैं या सीए कैटेगरीज हैं तो वो भी आपको ओरिजिनल लेकर जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका गैप है तो आपको उसका गैप का एफिडेविट देना पड़ेगा आपको ओबीसी उस हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर बाय द वे आप एमयू में इनरोल्ड हैं तो उस आप वहाँ से एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा उसको, और कैंसिल करा के न्यू जो आप जहाँ एडमिशन, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स जो इंटरनल स्टूडेंट थे
तो उसमें ये कहना चाह रहे कि भाई आप देखें, नेम रिमूवल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रोल ऑफ कंसर्न फैकल्टी या कॉलेज यूनिट्स ऑफ ऑलरेडी इन, तो आपको वहाँ से कैंसिल कराना पड़ेगा। खैर नेक्स्ट अगर हम बात करें, मतलब कैंसिल करा के वो एक डॉक्यूमेंट देंगे, वो आप साथ में अटैच करके लेकर जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो टू अटेस्टेड एनवेलप, देखिए दो आप एनवेलप ले लेंगे और दोनों में जो है मतलब आपके आसपास में पोस्ट ऑफिस होगा, वहाँ से 22 22 रुपीज़ का एक टिकट ले लीजिएगा। बोलेगा सर हमें 22 22 रुपीज़ का टिकट चाहिए, वो हमें दे दीजिए, वो ले लीजिएगा। और उसके बाद ये चीज़ असल में आपको हॉस्टल मिलने हॉस्टल के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो ये अप्ले कर जाएंगे। इसके अलावा और इन्होंने कुछ चीज़ें ऐड किया है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो इन्होंने फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट इस बार ऐड कर दिया है, समझ रहे हैं कि आपका फिजिकली आप फिट है या नहीं। और दूसरा इन्होंने ऐड किया है, दूसरा इन्होंने कोविड सर्टिफिकेट है, जो भी एक स्टूडेंट वैक्सीन लिए उनका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ये साथ में लेकर जाना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ है जो आपको लेकर जाना पड़ेगा इस बार। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिलहाल इतना ही है, बाकी चीज़ों को लेकर जैसे अभी मैं बता दूँ, देखिए जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको यूनिवर्सिटी में भी जरूरत पड़ेंगे और हॉस्टल में भी जरूरत पड़ेंगे उसी हिसाब से। तो आप इसी हिसाब से ये सारा डॉक्यूमेंट, मगर मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मिला है स्कूल से या जहाँ भी आप पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, वो सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। साथ ही जैसे कुछ एडिशनल में मैंने बता दिया, एक आधार कार्ड अपना लेकर जाना ही है, फोटो वगैरह को लेकर क्लियर बता दिया। बाकी कोई भी क्वेरी होगा कमेंट करिए, मैं फिर से कह रहा हूँ हॉस्टल को लेकर कोई अभी क्लैरिटी नहीं, इसलिए मैं भी आपको कुछ बताने के मूड में नहीं हूँ। थैंक यू।